हेलो गाइस, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनाने वाले हैं। कच्चे टमाटर की आज हम चटनी बनाएंगे, जो आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए हमने एक रख दी है कढ़ाई, गैस को कर दिया है ऑन, और पानी सूखने तक हम करेंगे कढ़ाई को गर्म। कढ़ाई का पानी सूख गया है तो हम इसमें डाल देंगे ये 2 चम्मच, छोटी चम्मच है ये, 2 चम्मच तेल, और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें ये 5 टमाटर, और इसको कर देंगे कवर। ये टमाटर थोड़े से 1 मिनट गल जाएंगे तब हम इसको खोलेंगे। 1 मिनट हो गए हैं और ये इसको मैंने एक बार और चला दिया था। इस टाइम पर हम डाल देंगे इसमें 5 से 6 लहसुन के हैं, ये मिर्ची है, ये कितनी है, 7 मिर्ची है, और मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसे बारीक काट के डाल दिया है। और अब हम इसको हल्का सा, ये मिर्ची और लहसुन जब हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तब तक हम इसको पकाएंगे। वापस कवर कर देंगे। ये पक गए हैं। मैं इस टाइम पे टमाटर को अच्छे से 2-2 पीस कट कर दूंगी इसी में, और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। तो मैं सारे ये टमाटरों के 2-2 पीस कर दूंगी। ये कच्चे टमाटर हैं, ये टमाटर थोड़े थोड़े से हार्ड होते हैं, तो हम अगर इसको इस तरह से काट के पकाएंगे तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं और ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। बस हम इसको आधा मिनट तक ऐसे ही कवर करके पकाएंगे और फिर हम कर देंगे बंद गैस को, और फिर हम पीसेंगे अपनी चटनी। आधा मिनट हो चुके हैं और ये टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम गैस को कर देंगे बंद और टमाटर को डालेंगे एक बर्तन में, एक प्लेट वगैरह में, कि अच्छे से ठंडे हो जाएं। ये ठंडे होने के बाद ही हम चटनी पीसेंगे, जब टमाटर ठंडे हो जाएं। गर्म टमाटर की आप चटनी मत पीसें, नहीं तो उसका ढक्कन ऊपर आ जाएगा और चटनी फैल जाएगी। तो हम इसको करेंगे ठंडा। मैंने इस प्लेट में डाल दिया है और ये ठंडे होंगे। टमाटर को निकाले हुए 15 मिनट हो गए हैं, ये एकदम से ठंडे हो गए हैं, तो मैं इसको जार में डाल दूंगी। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी ये खूब सारी धनिया पत्ती, और मैं डाल दूंगी ये अजवाइन के पत्ते। ये 5-6 पत्ते अजवाइन के हैं, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये पेट ख़राब होता है जिसको गैस ज़्यादा बनती है, तो उसके लिए फ़ायदा करते हैं। मेरे पास है प्लांट इसलिए मैं डाल देती हूँ, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें नमक डाल दिया है, ये 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक है। तो बस अब हम इसको थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बनाएंगे, बहुत इसको बारीक नहीं पीसेंगे। तो मैं इसको अभी पीस के लाती हूँ, हम इसको पीस लेंगे। आप इसको ऐसे करके पीसें, अगर आप लगातार मिक्सी को चलाएंगे तो ये पेस्ट बहुत ही बारीक हो जाएगा और दरदरा नहीं रह जाएगा और स्वाद भी इसमें कम आएगा। तो मैंने इसको ऐसे करके पीसा है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी चटनी बन के तैयार हुई है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। अब हम चटनी को निकाल लेंगे बर्तन में और आप देख सकते हैं ये इतनी अच्छी चटनी बनी है। आप इसको रोटी, पराठे, समोसे, आलू पराठे किसी के भी साथ आप खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी बनाइए, अगर आपको पसंद आए तो अपना अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।